This is the story of a boy. Who is the boy? So let me introduce you to Prayas, who is an incredible and amazing skater. Firstly met him during my time in school days back then when I was in high school. I knew him from years and we both planned why not we shoot a video, and we came up with this. Hi, I'm Prayas. I'm a 20 years old guy, currently pursuing BBA. I belong to a town, Parlakhemdi, which comes under the Gajpati district of Odisha. So I've started my skating back then when I was in 6th class in 2015. तो कहानी ये है कि 2015 में जब मेरे मौसी फेसबुक स्क्रॉल कर रहे थे तभी उन्होंने एक स्केटिंग का पोस्ट देखा एंड उस वक्त समर हॉलीडेज का टाइम था और उन्होंने पूछा क्या तुम स्केटिंग में इंटरेस्टेड हो एंड देन मैं और मेरे भाई का यही रिप्लाई था कि हाँ यार कुछ नई चीज़ तो ट्राई करना चाहिए एंड उसी दिन शाम को मैं चला स्केटिंग क्लास ज्वाइन होने एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड तो समर हॉलीडेज का टाइम था और मैं और मेरा भाई रोज़ 5 बजे उठते थे। साइकिल से 1 किलोमीटर के दूर पे ही हमारा स्केटिंग क्लास हुआ करता था और रोज़ हम एक दूसरे को पुश किया करते थे बेहतर बनने के लिए। और वहाँ जाके पहले स्केटिंग एक्सरसाइज, रनिंग, स्किपिंग एट्सेट्रा करने के बाद हमें स्केट करने का इजाज़त था। और कई दिन ऐसा भी हुआ है कि हमारे जो सर हैं वो हमें पिकअप करने या उठाने आते थे और हम रोड प्रैक्टिस भी कई बार जा चुके हैं, यूं ही लगभग 4 किलोमीटर हमारे घर से दूर। और स्कूल के वक्त सिर्फ संडेस में ही सुबह शाम जाया करते थे। सो दिस वाज द इनिशियल स्ट्रगल। तो यहाँ दिन बीत गए, कई साल पूरे हुए इन्हीं कलेक्टर ऑफिस रोड के सामने, और प्रैक्टिस जारी रहा बिना किसी स्केटिंग ग्राउंड के। तो हम इस नतीजे तक पहुँचे थे कि हम कई नेशनल खेले थे और हमारे जूनियर्स कई स्टेट लेवल में भी पार्टिसिपेट कर चुके थे। और यहाँ हम बहुत गर्व थे कि हमें यहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था और हम हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ कर पाए थे।
मोस्टली इन माई स्कूल टाइम मुझे बहुत कम वक्त मिलता था क्योंकि स्टडीज़ का प्रेशर था, लेकिन फिर भी मैं संडेस में स्केटिंग आ जाया करता था, या फिर हॉलीडेज हो या किसी ओकेज़न में छुट्टी मिलता था तो मैं और मेरा भाई स्केटिंग क्लास आ जाया करते थे और कई स्केटिंग टिप्स सीखते थे और सिखाते भी थे। इसी तरह मैं स्कूल स्टडीज़ और स्केटिंग क्लास मैनेज करता था। मेरे सर जो थे उन्होंने मुझे बहुत सारे एक्सरसाइजेस एंड पोजिशन सिखाए थे और कई सारे वीडियोस दिखाए थे, तो मैं भी सोचता था कि अगर कोई मुझसे बेहतर कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। और कई सारे चीज़ मैंने देख के सीखा था। मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया था जब मैं बहाने ढूंढता था अपने आप में आलसी बनने की, और पेरेंट्स मुझे पुश किया करते थे, तो मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट और स्केटिंग सर के भरोसे ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं आगे जा सकता हूँ। बिफोर स्केटिंग आई यूज टू बी ए नॉर्मल सिंपल गाय इन द लेजी वन विथ नो टैलेंट। व्हेन स्केटिंग केम इन टू माई लाइफ इट टॉट मी टू बी डिसिप्लिन्ड, हार्डवर्क एंड डेडिकेटेड टू ए कॉज विच ऑनेस्टली चेंज माई सेल्फ टू बी इवन ए बेटर वन। इट ऑल्सो मेड मी टू माई लाइमलाइट। Person can do whatever he wants to achieve until he knows his true inner potential, and by staying disciplined and consistent, a man can achieve anything in their life. So live the moment and hustle more of you what you love.